गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो देखिएगा स्टूडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ाया था उससे पहले हमने आपको पानीपत के जितने भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी तो आप यदि वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको इतिहास विषय है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हम भी आपको इसी हिसाब से आपको मतलब पढ़ा रहे हैं कि जिस हिसाब से इतिहास के क्वेश्चन आते हैं इतिहास के एग्जाम्स लगती हैं तो इतिहास विषय से संबंधित जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं उनमें आपको हमारे इन वीडियो से सहयोग मिलेगा तो आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा तो देखिएगा पढ़ते हैं पानीपत का सेकेंड युद्ध तो देखिएगा पानीपत के तीन युद्ध हुए हैं प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका ये हुआ था आपका ए, 21 इक्कीस अप्रैल पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी को और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ और यहीं से बाबर जो बाबर जीत जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है यह हुआ था आपका पाँच नवंबर पंद्रह छप्पन ईस्वी को ये अकबर और आदिल सूर के बीच में हुआ और फिर जो तृतीय युद्ध है वह शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और वह आपका आ, मतलब सत्रह सो इकसठ में हुआ था और जो पानीपत नामक स्थल है यह हरियाणा राज्य के आ, मतलब पानीपत जिले में स्थित पानीपत जिले में है और ये मतलब तीनों ही युद्ध इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तो देखेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध ठीक है तो देखेगा जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था ये मुगल और अफगानों के बीच में होता है और मुगल शासक उस टाइम पे अकबर था और उधर अफखानों का था मुहम्मद आदिल शाह सूर और वास्तविक रूप से यह युद्ध मतलब अकबर के सरंगसक मान लो उनके मुख्यमंत्री कौन थे बैरम खा उनके और जो इधर आपका है आदिल शाह सूर उसके प्रधानमंत्री हेमू के मध्य लड़ा गया था स्टार्टिंग में क्या है कि हेमू जीतता हुआ प्रतीत होता है लेकिन अचानक उसकी आंख में तीर लग जाता है वह बेहोश हो जाता है और गिर जाता है फिर क्या होता है कि हेमू को घायल अवस्था में देखा तो उनकी जो सेना है से भाग जाती है और अंत में बैरम खान की जीत होती है और फिर हेमू को मतलब कैद कर लिया जाता है और अकबर उसको बाद में मार देता है ठीक है इस हिसाब से यह युद्ध हुआ था और एक तरह से देखें तो दिल्ली पर जो मतलब काफी सालों से अफगानों और मुगलों के बीच में युद्ध चल रहा था उसका एंड हो जाता है और अकबर है वह दिल्ली पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लेता है ठीक है तो देखिएगा पानीपत का सेकंड युद्ध पांच नवंबर पंद्रह को हुआ था कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं और पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर जो मुगल वंश के शासक हैं और मोहम्मद आदिल साहब सूर जो सूरी राजवंश का शासक था इनके बीच ये लड़ाई हुई थी वास्तविक रूप से ये युद्ध अकबर के मुख्यमंत्री बैरम खां और आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू के मध्य लड़ा गया था अब देखिएगा बैरम खां और हेमू के बारे में भी हम आपको अलग से वीडियो बना के बताएंगे और क्योंकि ये जो बैरम खां और हेमू है ये दोनों ही टॉपिक मतलब हिस्ट्री के हिसाब से महत्वपूर्ण है तो जो बैरम खां है इसको अकबर ने खान ने खाना की उपाधि भी थी ठीक है और ये अकबर का संरक्षक भी था ठीक है अब क्या होता है कि और जो ये आपका हेमू है ये क्या है कि दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है हेमू है वह एक ऐसा शासक है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चौदवा शासक था ठीक है और यह युद्ध पांच नवंबर पंद्रह को लड़ा गया युद्ध दोनों पक्षों के मजबूत प्रतिद्वंदियों के साथ पानीपत में लड़ा गया था हेमू की 1500 सौ युद्ध हाथियों के साथ एक सेना थी हेमू के आंख में अचानक से तीर लगा जिससे बेहोश हो गया सेना अपने बेहोश नेता को देख के डर गई मुगलों ने युद्ध में जीत के साथ मुकुट पहना और युद्ध की समाप्ति हुई ठीक है अब देखिएगा पानीपत के द्वितीय युद्ध के क्या कारण थे ठीक है तो 1556 में अकबर ने अपने पिता अकबर का पिता कौन था हुमायूं तो अकबर ने अपने पिता का सिंहासन सफलता पूर्वक संभाला उस समय मुगल काबुल कंधार दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में ही फैले हुए थे अर्थात पूरी तरह से इन स्थानों पर मुगलों का अधिकार नहीं था हेमू उस समय अफगान सुल्तान मोहम्मद आदिल साहब की सेना का प्रमुख था और जो ये आपका आदिल शाह ये चुनार का शासक था आदिल शाह भारत से मुगलों का शासन खत्म करना चाहता था ठीक है इसलिए दोनों मतलब जो मुगल और अफगान हैं दोनों शासकों में युद्ध हुआ था आप देखेगा जो पानीपत की सेकेंड लड़ाई हुई उसके परिणाम क्या निकले पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में अकबर के शासन की शुरुआत की थी क्योंकि जब पानीपत की लड़ाई होती है तब भी अकबर का सिंहासनारोहण भी होता है और उसे सबसे पहले मतलब पानीपत की सेकेंड लड़ाई का सामना करना पड़ता है पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ जाते हैं और इस लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्षों तक दिल्ली का तख्त है वह किसके पास रहा मुगलों के पास रहा ठीक है तो देखेगा हमने इस वीडियो में पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त की वीडियो आपको शॉर्ट लग रहा होगा लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है अतः वीडियो को ध्यान से देखें और यदि आपको कोई भी हमारे वीडियो में कमी लगे या फिर कोई त्रुटि आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें आपको नए नए वीडियो जिसपे मिलेंगे हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद